सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है, मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। अखिलेश यादव के घर को निकलने से इनको निकलने नहीं दिया, नहीं निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है और जो लोगों के रोक मूवमेंट पर रोक हो रहा है मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहां पर वो बकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। अगर आपको अपने महापुरुषों पर इस देश के जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए काम किया उनको तो अगर कोई माला चढ़ाना चाहता है जयंती पर, उनको पुष्प चढ़ाना चाहता है तो सरकार को बकायदे उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। ये तो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है।